दोस्तों मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ये लाइक ड्राइवर की कीजिए लिए उसे और पकड़ा अपने है, चाहने वालों से शेयर अभी निकाला कीजिए। हूँ। समाओ मेरे साथ में आपकी जो दोस्त है सब्सक्रिप्शन और लाइक जिनको वीडियो प्रॉपर मुझे बनाता नहीं मोटिवेशन आया, देता है। तो दोस्तों ये बाहर वीडियो निकलने के आपको बाद कैसा में आया लगा है और क्या और मैंने इम्प्रूवमेंट क्लिक ही नहीं चाहिए किया था। ये मुझे ज़रूर बताएं। ऑलमोस्ट 1.5 किलो थैंक के यू। आसपास है दोस्तों, काफ़ी अच्छा शिकार है। मैं आगे भी करता हूँ तो इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि मैंने ये 3 स्नेकेट देखो अभी निकाले हैं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो स्नेकेट्स पकड़े हैं मैंने, ये दोनों तौसीफ भाई ने जो लूर भेजा है ये उसके थ्रू पकड़े हैं। और ये ऑलमोस्ट 1 kg का है। ये मैंने कैबरल आउटडोर से जो मंगवाया था लूर, ये जंबो साइज़ वाला फ्रॉग है, कैबरल आउटडोर से मंगवाया हुआ है ट्राइटन फ्रॉग जंबो साइज़ में। उससे ये बड़े वाला लगा है और आप जगह देख सकते हो, मैं बिल्कुल नई जगह पर आया हूँ। जो मैंने बताया था दोस्तों, मैं जगह ढूंढता रहता हूँ, मैं लोगों से लोकल लोगों से पूछता हूँ और जगह ढूंढता रहता हूँ। कास्ट करते रहिए। हम यहाँ पर पहुँचे थे 4:30 बजे, अभी 5:30 बज रहे हैं। हमारे पास में ऑलमोस्ट ये 3 स्नेक हेड्स लगे हुए और अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास में, आधा घंटा। देखते हैं दोस्तों उसमें कितने लगते हैं, मैं वीडियो में बताऊंगा आपको आगे भी। मैं 2-3 वीडियो एक साथ बनाऊंगा क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। तो इंशाल्लाह ये देखिए और अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि और कितने पकड़े हैं मैंने। थैंक यू। आज हमने तंदूर बनाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल मीर फिशिंग मास्टर में। आज की जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ स्पेशल पर्पज से कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन पर भी पूछा कि आपने स्टार्ट कैसे किया, ज़रा वो बताएं। तो मैं कहानी पूरी स्टार्ट से करता हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले के लगभग मैंने फ़िशिंग स्टार्ट किया था। मुझे जब ये पहले मैंने यूट्यूब पे कुछ लोगों को देखना शुरू किया, मुझे क्रेज़ स्टार्ट हुआ। मैंने जो सबसे पहली ऑनलाइन रॉड मंगवाई थी और रील, वो ये सेटअप था। ये रील के ऊपर FY200 लिखा हुआ है और रॉड लगभग कुछ 3 या 4 फीट की रॉड है, काफ़ी छोटा सेटअप था। ये रॉड मेरी यहाँ से ब्रेक हो गई थी दोस्तों, मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अगर आपकी टेलीस्कोपिक रॉड कहीं से ब्रेक होती है तो उसको भी रिपेयर किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए, मैंने इसका ये नहीं बनाया। लेकिन अब ये सब जगह से टूट जाएगी, लेकिन जहाँ से ये पहले टूटी थी वहाँ से ये नहीं टूटेंगे। ये कब इसको कैसे बनाना है ये मैं बताऊँगा दोस्तों आपको। ये रॉड से मैंने स्टार्ट किया था, फिर काफ़ी मछलियाँ इससे मुझे पहले कुछ सक्सेस नहीं मिली, फिर उसके बाद में बड़ी मछली लग गई थी मुझे डैम पर, तो ये रॉड टूट गई थी। इसके टूटने के बाद में मैंने 10 फुट की रॉड मंगवाई थी, ये वाली। ये काफ़ी मजबूत रॉड है, कार्बन फाइबर मटेरियल है और ग्लास फाइबर की टिप है इसकी। बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी दोस्तों मैंने, ये मेरी बेस्ट रॉड रही है अभी तक की। टेलीस्कोपिक रॉड है, ले जाना कैरी करने में काफ़ी आसानी पड़ती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं तैयारी कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले बात कि मेरे पास में काफ़ी सारे लूर्स हैं, लेकिन मैं पहले लूर चेक करता हूँ। जैसा बताया कि बिगिनर्स ने क्या करना चाहिए, तो बिगिनर्स ने ये करना चाहिए कि जब वो घर से निकल रहे हैं तो वो उसका लूर बॉक्स चेक करें कि वो कि कौन से लूर से खेलना चाहता है। मेरे पास में काफ़ी सारे लूर्स हैं दोस्तों, तो मैं हमेशा निकलने से पहले ये देखता हूँ कि मुझे कैसा खेलना है, कितने टाइम तक खेलना है। तो मैं पहले लूर बॉक्स चेक करता हूँ कि मुझे क्या क्या ले जाना है। मैं फ्रॉक्स जो जो ले जाना है या जो भी मटेरियल ले जाना है वो सभी इसमें रख लेता हूँ और फिर निकलता हूँ। स्पून्स और सारी चीज़ें मेरे पास काफ़ी सारे फ्रॉक्स है, माशे रूह के लिए भी है, बाम मच्छी जिसे बोलते हैं उसके लिए है, ये शैलो डांसर है, तो ऐसे कई सारे लूर्स हैं मेरे पास में दोस्तों। और मैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रखता हूँ मेरे बॉक्स में, ताकि अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं कैसी फ़िशिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो हमेशा अपना जो लूर बॉक्स है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें। जैसे अब ये देखेंगे, ये शेड डांसर है, ये फॉरेन में या इंडिया में बोलिए, ये काफ़ी मछलियाँ इससे अट्रैक्ट होती है। अभी दिख तो बहुत छोटी साइज़ का रहा है, लेकिन इसका मुंह जितना आगे लंबा है तो बस यूँ समझ लीजिए कि पानी में उतना डेप्थ में काम करेंगे। तो इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं।
मुझे रूबू और माशेर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो मछलियाँ काफ़ी ईजीली लग जाती है। लोग मुझे पूछ रहे थे कैट फिश का भी, तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी मुझे सिर्फ स्नेकेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसा मैंने पहले बताया। तो मेरे पास में आपको कई टाइप के फ्रॉक्स देखने मिलेंगे। मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा लूर बॉक्स दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं लूर बॉक्स में देख लेता हूँ मुझे क्या ले जाना है। मैं एक फ्रॉक से कभी नहीं खेलता, मैं फ्रॉक्स चेंज करता रहता हूँ। फ्रॉक्स चेंज करने का रीज़न ये है कि आप एक फ्रॉक से कभी मत खेलिए दोस्तों। एक फ्रॉक से अगर आप खेलोगे तो पहली बात तो ये है कि उस फ्रॉक का अट्रैक्शन कितना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्या वो फ्रॉक स्नेकेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है? लेकिन आप लूर्स चेंज करते रहो, एक लूर से मत खेलो। होता है कई बार एक लूर से रिजल्ट्स भी नहीं लगते, तो मैं कंटिन्यूसली लूर चेंज करता रहता हूँ। आप देखोगे मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में लूर्स को चेंज करता जाता हूँ, इससे रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं दोस्तों। मैं अगर पानी साफ है सीधा है तो वाइब्रेशन वाले फ्रॉक्स यूज़ करता हूँ, जो पानी के ऊपर काफ़ी अच्छे वाइब्रेशन करते हैं। मैंने इसमें एक और फ्रॉक मंगवाया हुआ है, मेरे पास में टॉप वाटर का शेडो डांसर है, तो मैं उसे भी ले जाता हूँ, इससे भी मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। सॉफ्ट हॉलो वाले फ्रॉक्स है मेरे पास में, स्ट्रॉन्ग के फ्रॉक्स है, मतलब फ्रॉक्स में काफ़ी बड़ा कलेक्शन है दोस्तों मेरे पास में। और अगर आप बात करेंगे कि रूगो और माशेर के लिए, तो उसके लिए भी मेरे पास में सारे ब्रांडेड है। ये रपाला का जॉइंटेड है, इसके रिजल्ट्स रूगो माशेर में अच्छे हैं। ये मैग्नम है, इसी तरह टॉप वाटर में मतलब अंडर वाटर में जो इसके लिए है वो एक्स रैप है रपाला का। मैं मोस्टली ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा था कि मैंने जब अपनी छोटी रॉड मंगवाई और मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे उसके साथ में कुछ जिग्स आए थे और अनरिच्ड आए थे लूर्स, उससे मुझे रिजल्ट्स नहीं लगे। तो अब मैं कैसी प्रिपरेशन करता हूँ निकलने के लिए, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं प्रिपरेशन कैसी करता हूँ अब यहाँ से बात करते हैं। मेरी रॉड्स जो है डाइवा वाली या मेरी पायोनियर की रॉड बोलिए आप, मैं एक लगभग 4 फीट का पाइप है 3 इंची, इसमें रॉड्स वगैरह रखता हूँ। इसको मैंने बैग को इस तरह बांध के रखा हुआ है जिससे ये बैग से लग जाता है। लूर बॉक्स मैं पीछे के सेक्शन में रखता हूँ। साथ में कैरी करने वाली चीज़ें जो है, मैं लैंडिंग नेट फोल्डेबल वो साथ में कैरी करता हूँ हमेशा। ये लैंडिंग नेट के साथ में ये काफ़ी बड़ा रॉड है, ये इसको आगे लगता है। अगर सपोज आप रूहू माशेर की फिशिंग कर रहे हो तो आपको लैंडिंग नेट लगेगा ही। मैं कैमरेज रखता हूँ अपने साथ में, समाओ ये कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अब मैं सोनी का कैमरा यूज़ करूँगा और मेरे मोबाइल का कैमरा यूज़ करूँगा। लाइन्स मैं काफ़ी सारी मंगवा कर रखता हूँ। मेरे पास में पूरा बैग का सेटअप है जिसमें मैं ये हैंड फिशिंग के सामान भी मंगवाए हुए हैं मैंने, जो पहले डब्बे वगैरह के ऊपर बांधते थे। उसके बाद में जो मेरा फर्स्ट सेक्शन होता है, तो मैं इसमें ग्रीपर, लिप ग्रीपर और प्लकर रखता हूँ, जो मुझे फिश के लिए ज़रूरी है। बेसिक चीज़ है दोस्तों, हम नदियों और जंगल के पास में रहते हैं, तो मैं एक चाकू साथ में रखता हूँ जो मुझे मदद देता है वहाँ पर। आप जब भी नदी के पास जाए तो लाइफ जैकेट साथ में रखें। मैंने ये लाइफ जैकेट कैबरल आउटडोर से मंगवाया है, ये 120 किलो का वेट ले सकता है, एपेक्स कंपनी का लाइफ जैकेट है और बहुत बेस्ट लाइफ जैकेट है। अगर आप इसके रिजल्ट्स देखोगे तो मैं आपको इसका भी एक वीडियो बनाकर बता दूंगा दोस्तों, कि ये जब लग जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये वेट बहुत अच्छा कैरी करता है हमारा। तो इस तरीके से ये जैकेट फिट होता है, ये ऐसा दिखता है जैकेट। आप ये जैकेट पहन लीजिए अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो। मैं बैग ऐसा रेडी करता हूँ, साथ में रील्स वगैरह मैं बीच में रखता हूँ। जिस थैली में मुझे मछली रखनी होती है मैं वो भी इसी में रखता हूँ। गॉगल्स, मुझे गॉगल्स चेंज करने का काफ़ी शौक है, मेरे पास लगभग 10 से 15 गॉगल्स हैं, तो मैं वो रखता हूँ साथ में। और मैं फ़िशिंग के लिए निकलता हूँ पानी बॉटल लेकर। शूज़, स्पोर्ट शूज़ पहनिए जिसके नीचे स्पाइक्स हो, ऐसे शूज़ पहनिए तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, बोर मत होइए। अक्सर क्या होता है, आप काफ़ी जल्दी चले जाते हो और वहाँ पर लूर कास्ट करते करते बोर हो जाते हो। ये बोर होने वाला काम नहीं है दोस्तों, आप पहले जगह देखिए, सिलेक्ट कीजिए और फिर फिशिंग कीजिए। हम लोग आज भी नई जगह जाने वाले हैं, हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे बस। वहाँ जाकर अगर सपोज टाइम मिलता है
तो मैं आपको, मेरे साथ में कोई रिकॉर्डिंग करने वाला होता तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं कैसा करता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमको वहां पे फिश लगी थी, ये मैं मेरी रील्स रखता हूं साथ में इस तरीके से बैग में, दोनों भी रील रखता हूं, और जो जो भी रील मैं साथ में ले जाता हूं तो मैं इसमें रखता हूं। मैं मेरे पास में लगभग लूर्स बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन आपको कब और कैसे यूज़ करना है इसकी समझ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक जो कंप्लेंट मुझे आ रही है, मतलब कंप्लेंट भी नहीं कहेंगे हम उसे, मुझे अच्छा नहीं लगा जानकर कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि हमारे एरिया में फ़िशिंग स्पॉट्स बताते नहीं हैं, ये कोई बात अच्छी नहीं है दोस्तों। आप बताइए, वो स्पॉट्स है, मछलियाँ ख़त्म नहीं होना है, आज तक तो ख़त्म नहीं हुई, तो आप लोगों से शेयर करो कि आप कौन से स्पॉट्स पर जा रहे हो, कैसी फ़िशिंग कर रहे हो। नहीं बताना ये सॉल्यूशन नहीं है। जैसे लोगों ने मुझे बताया, फिर मैंने उनकी मदद की, उन्होंने मेरी मदद की, हम लोग एक दूसरे की मदद से ही चलते हैं दोस्तों। तो आप हेल्प कीजिए लोगों की, सामने आइए, उन्हें बताइए कि आप किस तरीके की फ़िशिंग करते हो, कहाँ पर स्नेकेट्स लगते हैं, कहाँ कैटफिश लगती है। मैंने रॉड मंगवाया रखने के लिए, ये भी मंगवाया है बैग, अभी ये वाजिद भाई से मंगवाया है, हैदराबाद से। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे कि हैदराबाद में ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ 15 किलोमीटर के एरिया से लेकर तो 100 किलोमीटर के एरिया तक लगभग 15-20 स्पॉट है जहाँ पर मैं फ़िशिंग के लिए जा सकता हूँ, और वो नदियों के साथ में चलता रहता हूँ, लोकल लोगों से गाइडेंस लेता हूँ कि फ़िशिंग कैसी करनी है, कहाँ करनी है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल दोस्तों, देयर इज सम इशू विद माय वॉइस एंड माय कैमरा, रोक दो ना भाई, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों, जैसे मैंने बिगिनर हुआ तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, कौन सी रॉड से किया, कौन सी रॉड पे आया, आप कैसा करता हूँ, ये हम वक्त के साथ सीखते हैं और लोगों से नॉलेज शेयर करके सीखते हैं। तो आपको नॉलेज में स्पॉट्स जो है वो भी आ जाते हैं, तो आप लोगों से स्पॉट्स भी शेयर कीजिए, बताओ उन्हें दोस्तों, छुपाने से कोई मतलब नहीं है, आप उन्हें बताओगे हो सकता है कुछ नई चीज़ें वो आपको सिखाए, वहाँ पर कुछ नई फिश वहाँ पर है तो वो आपको बताए। जैसे यहाँ पे तिलापाई बोलते हैं, जिलेबी बोलते हैं, वो एक टाइप की फिश मुझे अभी अभी मालूम पड़ी है कि वो एक स्पॉट के ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी साइज में, लगभग 1 किलो के आसपास। कतला लाल परी जिसे हमारे यहाँ पर कहते हैं, वो 4-4, 6-6, 10-10 किलो की है। मैं आज उनके लिए आटा भी बनाकर ले जा रहा हूँ, मैंने एक अपने ट्रिक से आटा बनाया है, तो इसे चेक करूँगा वहाँ पर कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं। मैं आपको आगे बताऊँगा कि चराई भी कैसे बनती है। मैंने आपको मेरा बैग बताया, मैं कैसा पैक करता हूँ। दोस्तों दूसरों की मदद कीजिए, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, आज अगर कुछ मछली लगती है तो मैं आपको वीडियो ज़रूर डालूंगा कि कौन सी मछली लगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2 बजने के लिए आ रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे 3-3:30 बजे तक हमारे स्पॉट पे पहुँचेंगे, तो तब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन सी मछलियाँ पकड़ी है। और लोगों की मदद करते रहो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों से शेयर करो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर मछलियाँ लगती है तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो डालूंगा, थैंक यू दोस्तों। पहले दोस्तों हम यहाँ पर फ़िशिंग किया करते थे, ये नदी की दोनों साइड फ़िशिंग करते थे। आज हमको हमारे जो लोकल गाइड है जगदीश बो, इन्होंने एक एरिया बताया, ये ओम उनका लड़का, इन्होंने एक एरिया बताया है दोस्तों हमको, हम वहाँ जाने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि वहाँ पर फिशेज़ कितनी है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे से कच्चा रास्ता है, ये मेन रोड से अलग होता रास्ता है, कच्चा रास्ता। ये 3 किलोमीटर अंदर जाना है हमें एक डैम के पास में, तो मैं आगे वीडियो अभी पॉज कर दो। ये नए स्पॉट पर आया हूँ दोस्तों मैं, ये ब्रिज है एक, ये ब्रिज के आसपास में पूरा फिशिंग का एरिया है और काफ़ी बेस्ट एरिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत ज़्यादा मरल खेल रहे हैं स्नेकहेड्स, तो देखते हैं कुछ रिजल्ट्स आते हैं क्या आज। ये थोड़ा बीच में जाला डाला हुआ है, ये निकालने के लिए बोलता हूँ और उसके बाद में देखता हूँ। ये नदी का पानी इधर बहकर जा रहा है, जो छोटा सा डैम बना हुआ है। तो चलो दोस्तों आगे शिकार करते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ।